नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन 1 से 15 फरवरी तक किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी एडमिट कार्ड पास से 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के बाद 6 से 16 फरवरी तक अपलोड करेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दी है। जी हां, इस दिशा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मार्गदर्शिका जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के लिए विस्तृत विज्ञापन 26 जनवरी को जारी किया जाएगा। तो वही स्थानीय निकाय राज्य की प्राथमिक मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष इस परीक्षा में शामिल होंगे। सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क ₹1100 देना होगा। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा को लेकर जारी निर्देश में समिति ने कहा है कि परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन बाद जारी किया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा जाएगा या नहीं मिलान करने के बाद जमा किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने के समय आधार कार्ड मैट्रिक का प्रमाण पत्र टेट सीटेट और एसटेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्रशैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड करना होगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिले का विकल्प देना अनिवार्य होगा। आपको बताते चले कि सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाएगी। राज्य की प्राथमिक मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय परीक्षा के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1 और 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगा। आपको बता दें कि करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक जो राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे थे उनके लिए ये बेहद काम की खबर है, क्योंकि परीक्षा की जो डेट है वो सामने आ गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।